अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुदाए बुजुर्ग बरकर आप सबको हमेशा खुशोखरम रखे, हंसते मुस्कुराते आबाद रहिए। तो तुहानू पता है यारा नाल बहारा, तो ये सारे मेरे दोस्त हैं जी, बड़े प्यारे प्यारे, और साथ शेफ साहब बैठे हुए हैं। ये देखिए अफ्तारी का टाइम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अफ्तारी कितने बजे हो रही है आज? 6:25 पर रोज़ों के आपको पता है याम जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो ये मेरे सब दोस्तों के रोज़े हैं, तो मेरा रोज़ा तो आपको पता है जो है वो नहीं है। सो रोज़े तो हमारे भी स्टार्ट हो चुके हैं। सो आज मैं शेफ साहब के साथ ये बड़ी मज़ेदार किस्म की अफ्तारी करना चाह रहा हूँ। आज शेफ साहब पूछेंगे रोज़े के हवाले ना की कहना चाहेंगे जनाब, तो शेफ साहब रोज़े के हवाले ना थोड़ा दसेंगे। अफ्तारी के लिए जी हमने रूह अफ़ज़ा और साथ में जे खरबूजे, ये आगे जी साथ में खजूर के साथ, साथ में सैलड आ गया जी, फ्रेश सैलड वगैरह है, साथ में ये फिश सॉस है जी, ये प्याज की सॉस होती है स्पेशल, और ये लिक्विड सॉस है उसकी आलम स्पेशल, साथ में ये मिंट रायता, ये देखिए, और ये साथ में सेब आ गए जी, एप्पल, साथ में आपको पता है पकोड़े और समोसे ना हो तो फिर आपको पता है मज़ा ही नहीं आता, स्पेशल गरम गरम पकोड़े हैं जी साथ में ये, और ये हमारे जो अफ्तारी का जो थोड़ा सा सामान है वो। हाँ जी शेफ साहब, रोज़ों के याम के वाले से क्या कहना चाहेंगे जी आप? माशाल्लाह जी, रमज़ान में हमारा रोज़ा रखते हैं तो दिल खुश हो जाता है और बड़े सुकून मिलता है। अफ्तारी जब होती है तो बड़े, हाँ जी, और बड़ी गल है कि बड़ा बरकत वाला महीना है। इंशाल्लाह जी असं सारे रोज़े रखते हैं। शेफ साहब कह रहे हैं जी बड़ी बरकतों वाला महीना है, कोई शक नहीं जी, ये हर माह जो है दोस्तों के साथ अफ्तारी, और आपको पता है स्पेशली मेरा ये सारा इनके साथ जो है फैमिली मेंबर्स की तरह जो है वो रहना सहना है। साथ में चिदी भी आ गए, चिदी हाँ, और हम रोज़ा अभी अफ्तार करेंगे थोड़ी देर बाद, रोज़ा जब अफ्तार करेंगे तो वो भी व्लॉग आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। पकौड़े समोसे स्टार्ट है जी, ये देखें कस्टमर्स के लिए भी जा रहे हैं, साथ में ये स्पेशल बैंगन की टिक्की है जी, साथ में ये मिर्चे हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये आपकी मछली कौन सी करनी है? ऊपर लेके पूरी ही होगा पकौड़े, और ये साथ में फिश कौन सी करनी है? तो ये है जी उस्ताद शकील अहमद लाहौरी साहब कढ़ाई तैयार कर रहे हैं, इनके साथ भी हम थोड़ी सी गपशप करेंगे। उस्ताद ने ये देखे धनिया और अदरक और ये मिर्ची। हाँ जी खान साहब, क्या हाल चाल है? और ये स्पेशल जो हमारा देसी मक्खन है जी A1 का, बड़ा ही कमाल किस्म का, क्या बात, ये मक्खन जो कढ़ाई में ऐड होता है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी तुहानू पता रोज़ों का महीना आ गया जे, कढ़ाइया माशाल्लाह तुम तैयार करी जा रहे हो, तो की कहना चाहोगे रोज़ों के याम के वाले? की कहना चाहोगे रोज़ों के बारे? रोज़ा है माशाल्लाह जी तुहाडा? नहीं कोई गल, कोई गल, थोड़ा सा उस्ताद का जो स्टमक का प्रॉब्लम है इसलिए रोज़ा नहीं रखते, लेकिन रोज़े के हवाले से उस्ताद जी क्या कहना चाहेंगे? रोज़े के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि रोज़ादार जो है ना उनको अल्लाह ताला सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला दे, और खैर खैरियत से ये माह रमज़ान का महीना आए और खैर खैरियत से जाए। अल्लाह ताला सबकी खैर और हमारी भी खैर। साजी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल हर बंदे की जो जी है अल्लाह ताला खैर आफियत का महीना आए जी, और हाँ जी उनको हौसला दे और ईमान की सलामती दे। बहुत अच्छा साजी आपका मैसेज तमाम लोगों के लिए, और ये स्पेशल रान जो है वो और दस्तियाँ मटन की जो है वो हमने ये देखें मटन रान मटन की दस्ती, ये देखें साथ में ये हमारा बाहर का व्यू, ये है जी हमारे बॉस बॉस वसीम बिट्टू साहब, इनका जो साहिवाल में फेमस नाम है। बॉस जी रोज़ों के हवाले ना रोज़े के हवाले ना जी कहना चाह रहे हैं जी कि माशाल्लाह अल्लाह ताला दे रहमत वाला बरकत वाला महीना है और मौसम बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह ताला ने शुक्रगुजारन किया हुआ है, और रोज़ा अफ्तार कर लिया गया है साथ में जी एन साहब। तो भाई हाथ तो लगा, अच्छा ओके,
अच्छा तो रोज़ा अब अफ्तार हो चुका है। साहिबान में जो रोज़ा आज पहला रोज़ा अफ्तार हुआ है वो हुआ है 6:23 पे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। सो अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते आबाद रहिए। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़।